हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिंदास हूँ। और आज है 2nd of January। आशा करती हूँ आप सब लोगों का 1st January यानी कि पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा है। मेरा तो बहुत अच्छा गया, सच बताओ। कल रात 12 बजे हम लोग घर आए। लास्ट में मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया, फिर से मैंने नया ब्लॉग शुरू कर दिया है। एडिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तबीयत तो ठीक है नहीं, फिर भी ये सब करती हूँ जोश लेके। जब यू फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह उठ के चाय पिया, फिर अभी थोड़ा सा सब मिक्स दाल टाइप, उसको छौंक नहीं लगाया, जस्ट बॉइल करके रखा। और अभी बनाऊंगी आलू पराठा, वो भी अपने तरीके से। अपने तरीके से इसलिए बोल रही हूँ, कुछ स्टफिंग नहीं करूंगी क्योंकि स्टफिंग करके बनाने में टाइम लगेगा। तो ये जो मैंने कल ब्रेकफास्ट में आलू बॉईल करके स्मैश किया था, उसको आटे के साथ एक साथ गोंद लूंगी। यही है मेरा खुद का तरीका। तो बने रहिए फ्रेंड्स आप लोग, कोशिश करूंगी फटाफट से थोड़ा सा फ्री होके कल का ब्लॉग एडिट करके आज दे पाऊं, और अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। बने रहिए आप लोग। इसमें मैंने ना खूब सारा धनिया पत्ता डाला है, और अभी कुछ नहीं शेयर करूंगी, फटाफट से ये बना लेती हूँ क्योंकि ये शेयर करने जैसी कुछ है तो नहीं। ये वाला ना हम लोगों का पीछे का जो बैल्कनी है उसका ग्रिल है, तो उसमें मॉस्क्यूटो नेट लगा हुआ नहीं था, तो ये अभी लेके जा रहे हैं भैया दुकान से। ये मॉस्क्यूटो नेट लगा के आज ही शाम को देख। और एक मिक्स दाल को मैंने सुबह उठ के ही, मतलब जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तब भी बॉईल करके रख दिया था। अभी टमाटर दे के इसको छौंक लगा लूँगी। पीछे साउंड सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसलिए मैं आजकल सब कुछ वॉइस ओवर में करती हूँ। थोड़ा सा बटर ऐड करके रख दूंगी। और बना रही हूँ ये वाला फ्राई, ये जो बिटर गॉर्ड का फ्राई बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को ही। और ये ना थोड़ा सा ज़्यादा कड़क करके फ्राई करने से बहुत अच्छा लगता है। ये सब करके हम दोनों थोड़ा सा आए हैं बाजार, बाजार मतलब फैंसी बाजार आए हैं, घर का ही कुछ सामान लेना है ज़रूरी। और वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 1-1.5 घंटा के अंदर ही हम लोग घर आ भी चुके थे। फिर आके खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी। बहुत आजकल ना आलस आलस लगता है विंटर के सीज़न में ब्लैंकेट के नीचे जाने से ही, तो अभी थोड़ा सा लेट ही हो चुकी हूँ मैं इवनिंग का दिया लगाने को। बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, तो फटाफट से ड्रेस चेंज करके अभी दिया लगा रही हूँ और दिया करके चाय पीऊँगी, फिर हम दोनों थोड़ा सा फ्रेंड के घर जाएंगे। तो ये प्यारा सा गिफ्ट मुझे कल मिला है, उन्होंने दिया है, बहुत ब्यूटीफुल है। कितना अच्छा है काम।
এরকম সবাই আসলে দুইটা কাপের মধ্যে চা নিয়ে এসে এখানে আসো। पीछे जो ये दो बड़ा बड़ा पोटली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या चीज का है पता है? इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा जो बेड का पिलोज, फिर रजाई, ये सब है, वो सब है। अभी ये ऐसे ही रहेगा जब तक हम लोग नया बेड नहीं खरीदते, मतलब रखने के लिए तो वो स्टोरेज चाहिए, वो तो बेड खरीदने के बाद ही मिलेगा। तो स्टोरेज मिलने के बाद उसके अंदर जाएगा, जब तक स्टोरेज बेड ना खरीदे ये ऐसे ही रहेगा। इधर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस, देखिए ये रूम ना स्टोर रूम हो गया है, पता नहीं मैं कब तक ये सब ठीक कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूं मैं अपने फ्रेंड के घर, उस दिन भी गई थी ना, तो उसके घर आने में बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, 10:30 बज चुका था, और ऊपर से मैंने इतना अच्छा कुछ पहना नहीं था। तो मैंने ये पहना है उसके नीचे टॉप, तो आज पूरा पैक होके जा रही हूँ। ये देखिए मेरी बाबू मोशाय को, बाबू मोशाय और अभी हम लोग खाएंगे जम के ये चिकन लॉलीपॉप और फ्राइड मोमोज और समोसा भी है, ये सब खाएंगे अभी हम लोग गर्मा गर्म चाय। और मैं वीडियो बना रही थी तो वो बोल रही थी मुझे मत दिखा, बहुत अच्छा लगा जाके, और पता ही नहीं चला बात करते करते कितना टाइम हो गया। और ये घर के लिए लेके जा रही हूँ, ये प्रसाद है, गुरुदेव को चढ़ाया था, मतलब ये गुड़ से नारियल का लड्डू और पफ्ड राइस, गुड़ के साथ ही उसको भी तलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला प्रसाद। मेरी मम्मी लोग भी मतलब ये गुरु से ही मंत्र लिए हुए हैं, तो ये प्रसाद उनको चढ़ाया ही जाता है स्पेशली इसी महीने में। और ये इतना अच्छा बच्चा है, देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं और ये अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये वैसे भी बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। जो भी हो फ्रेंड्स, अभी बहुत टाइम तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ये देखिए भैया को जेम्स का ऐड कर रहे, मतलब वो लोग ना मैं उस दिन जेम्स कैडबरी ये सब लाए थे, लेकिन ये शोकेस के अंदर ही था, कोई खाता नहीं था। तो मैं तो चॉकलेट बहुत खाती हूँ और मेरा फेवरेट है, मैं जब गई तब मैंने बोला मुझे दो, तुम लोग खाओ या ना खाओ, तो मैं बैठ बैठ के जेम्स खा रही थी। और अभी देखिए 9:30 बजने को हो चुका है, बज गया है। और इन लोगों का पूजा घर देखिए कितना अच्छा लगता है, घुस के पूरा एकदम पूजा घर। और अभी लोग अभी ये लोग ये इन लोगों का अपना ही है फ्लैट, पर दूसरा फ्लैट में शिफ्ट करेंगे, सामने ही ज़्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट मंथ फरवरी को शायद वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी आना जाना हो रहा है। नेक्स्ट फिर तो हम लोग नए फ्लैट में जाएंगे, वही मैं बोल रही थी। और ये शिफ्टिंग का चक्कर जो झमेला है, बाप रे। डोरमेटा ढुकी जाए भीतर। और विंटर में ना 10 बजने से पहले ही चारों तरफ पूरा एकदम अंधेरा हो जाता है। एक्चुअली क्या करेंगे, सब लोग ही अपने घर में घुस जाते हैं लाइट वाइट ऑफ करके, टीवी फिर घर में बैठ के टीवी देखते हैं, बातें करते हैं ये सब। पर हम लोग तो आए जैसे बाहर, ऐसा लग रहा था ना 12:30 बज चुका है, ऐसा लग रहा था।
ठंडे से हाल बेहाल, बेहाल नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ठंडा, क्योंकि गर्मी में जो पसीना निकलता है ना, आई जस्ट हेट पसीना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं घर, कैमरा ठीक कर लेती हूँ, पर बालों का हाल पूरा खराब हो जाता है। अभी तो फिलहाल घर आई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के घर में जब जाती हूँ हेलमेट ये सब उतारने के बाद ना पूरा ऐसे घोंसला बन जाता है। तो अभी कितना बजा है, वो पीछे घड़ी है 10 बजने में, वो देखिए हम लोगों का पुराना वाला घड़ी जो हमेशा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। क्या ये घड़ी नहीं है? ये चलता फिरता घड़ी है मेरा। तो अभी हम लोग आ गए हैं, प्लानिंग का तो कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली 8 तारीख को ना हम लोगों का एक गेट टुगेदर है, पहले तो पिकनिक का प्लानिंग था लेकिन पिकनिक कैंसिल होने का बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, मतलब उन लोगों के फ्रेंड का मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे में, तो ऐसे ही जस्ट एक गेट टुगेदर होगा, वो भी अभी तक श्योर नहीं है, होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आज इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यही पे एंड करती हूँ, एकदम छोटू सा ब्लॉग है क्योंकि अभी अगर ये कंटिन्यू रखूंगी तो कल वाला ब्लॉग अच्छा से नहीं होगा, इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग यही पे एंड कर देती हूँ। कल और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, से गुड नाइट, गुड नाइट।